चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कितने दुनिया में पैसे वाले लोग आए, अरबपति आए हैं, तारीख किसी को याद करती है? कितने लोगों को आप जान करते हैं? इस मुल्क में कितने अरबपति आए चले गए, स्विट्जरलैंड में उनके बैंक मर गए, उनके पैसे स्विट्जरलैंड में रह गए, कितने आए हैं? कोई दुनिया में याद करता है किसी को? कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? प्राइम मिनिस्टर मैं कहीं अभी देखता हूं कि फंक्शंस के अंदर बेचारों को पूछता, कोई नहीं, कोने में बैठे होते हैं, कोई पूछता नहीं हूं, क्योंकि पूछता तो उसको है जिसको अल्लाह इज्जत देता है, और अल्लाह तो उसको इज्जत देता है जो अल्लाह के लोगों के लिए कुछ करता है, जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, नाम तो उसका है। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप क्या अल्लाह से मांगते हैं? पांच वक्त की नमाज में एक ही चीज मांगते हैं ना, कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, एक ही चीज मांगते हैं ना, बाकी तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं। आप अल्लाह को कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं, रहमान और रहीम है तू, लेकिन आप मांगते एक चीज है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमते बख्शी। वो कौन थे? वो पैगंबर थे, सारे जितने पैगंबर आए हैं। आप उनके रास्ते के लिए हर रोज नमाज मांग पढ़ते हैं। वो जितने भी पैगंबर थे जिनके ऊपर अल्लाह ने नेमते बख्शी, जिनके लिए आज हम मरने के लिए तैयार हैं, कब से हजारों साल वो दुनिया से चले गए, आज भी हम मरने के लिए, आज भी लोग पैगंबरों को उनका नाम लेते हैं, हम अपने नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या वजह थी कि अल्लाह ने हमें, हम जब कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा, तो उनका रास्ता क्या था? सारे पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए थे, वो हक और सच के लिए आए थे, वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आए थे। हजरत मूसा रोमन जो फिरौन था उसकी फिरौनियत के खिलाफ आए थे, इंसाफ के लिए आए थे। हजरत ईसा के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किताब है, एक रज़ा इस्लाम ने लिखी है, द ज़ेलट, वो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर थे, वो जो रोमन्स की इंपीरियलिज्म थी और जो ज्यूइश क्लर्जी थी, जो ज्यूइश एलीट थी, उसके खिलाफ आम आदमी के लिए खड़े हुए थे, और हमारे नबी मक्का की एलीट के खिलाफ खड़े हुए थे। वहां भी बड़ा अमीर अमीर था और गरीब गरीब था। तो आपका जो मकसद है, जिस तरह इब्ने खालदून कहता है कि इंसान का दुनिया में मकसद ही एक है, टू फाइट फॉर अ जस्ट सोसाइटी, इंसाफ के लिए खड़े हो। इस ये सारे पैगंबरों का भी ये मकसद था, ये आपका भी, अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, अपने से पूछें कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं। आप दुनिया में एक अदल और इंसाफ के निजाम के